राधे राधे, ये मेरा डेली ऑफिस जाने से पहले का रूटीन रहता है। मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीने के बाद वॉक करने के लिए बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पे इतनी फ्रेश हवा आती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोग ये रूटीन फॉलो नहीं करते ऐसा कुछ, तो एक ये छोटा सा 5-10 मिनट के लिए आप वॉक पे ज़रूर जाएं। आपको इतना अच्छा लगेगा, फ्रेश एयर लें, सुबह सुबह की जो धूप होती है वो आप ज़रूर लें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऊर्जा चाहिए अपने शरीर में, तो उगते हुए सूरज ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो डेली आते हैं, मैं जब भी यहाँ पे थोड़ी देर सूरज की धूप खाती हूँ तो ये दोनों बच्चे मेरे पास डेली आते हैं और मुझे इतना सुकून मिलता, मतलब मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती आपको। और ये जो दूसरी बच्ची है ब्लैक वाली, ये कभी भी मुझे टच नहीं करने देती, पता नहीं क्यों। 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसको खाना खिलाते हुए, बट आज तक इसने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया। पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है। और ये दूसरी वाली इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब ये ओवर फ्रेंडली बच्चा है। और उसके बाद मैं मेडिटेशन करने के लिए आ गई। मेडिटेशन करे बिना मेरा दिन मतलब स्टार्ट ही नहीं होता। जिस दिन मैं मेडिटेशन ना करूं तो पूरा दिन मेरे को पता नहीं एक पीसफुल और एक मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे। इसलिए मैं कोशिश करती हूं 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, उसके बाद मैं 10-1 मिनट का चांट करती हूं, जो मैं राधा जी का नाम जपती हूं। और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ श्रीमद् भगवद गीता। मैं मतलब कि जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 1 पेज 2 पेज, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं डेली भगवद गीता पढ़ूँ, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बातें हैं। मैं कभी सेपरेटली ज़रूर कोशिश करूँगी इस पर अलग से वीडियो बनाने की। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अपनी जो रूट्स हैं हमारी, उनसे हमेशा जुड़े रहो, ये हमारी रूट है, तो प्लीज़ आप पढ़ें प्लीज़। और उसके बाद मैं किचन में आ गई ऑफिस का नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं बना रही थी लौकी के पराठे, मैंने कभी भी नहीं बनाए थे। मेरा मन था कि लौकी के पराठे बना के देखूं और बहुत ही यम बने थे फ्रेंड्स ये।
और ये तैयार हो गया था हमारा ऑफिस का नाश्ता, जिसमें चाय और पराठा था। उसके बाद मैंने कान्हा जी को उठाया, हमारे बाल गोपाल जी को, और इनको उठा के इनका श्रृंगार किया मैंने। और अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने अब इनको चंदन से नहलाना शुरू कर चुकी हूँ। और यहाँ पे कान्हा जी को नाश्ता कराने के बाद, और उसके बाद मैंने खुद नाश्ता किया, और इसके बाद हम ऑफ़िस के लिए तैयार होना शुरू हो गए थे। फ्रेंड्स, मुझे ऑफ़िस 9 बजे तक पहुँचना होता है, और 1 घंटा मुझे लगता है मेरे घर से ऑफ़िस तक का रास्ता कम से कम 1 घंटे का है, और 8 बजे तक मैं निकल जाती हूँ। आप लोग बताना आप लोग का दिन कैसा रहता है, क्या करते हैं आप लोग। और मेरा सिंपल सा गेट रेडी होता है, मतलब कि मैं बहुत ही कम, मतलब मेकअप तो मैं बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती हूँ। मेरा सिंपल मॉइस्चराइज़र होता है, आईब्रो पेंसिल, काजल या दैट्स इट, और मैं ये रेडी हो गई थी ऑफ़िस के लिए। ये रहा मेरे ऑफिस से व्यू। बताना फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।